ट्रक ड्राइवर के आ गए अच्छे दिन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी खुशखबरी। ड्राइवर केबिन के अंदर एसी होगा अनिवार्य। अपने बेबाक बोल और अपने काम से अलग पहचान रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों एक नया और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ट्रक ड्राइवरों के लिए एसी कैबिन होना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऑटो इंडस्ट्री कार्यक्रम में कहा कि अब जल्द ही ट्रकों के ड्राइवर केबिन के अंदर एयर कंडीशनर लगाने होंगे और इसकी अनिवार्यता जरूरी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले दो साल यानी कि 2025 से सभी ट्रकों में ड्राइवर केबिन के सदस्यों के लिए एसी कंपार्टमेंट होने की जरूरत है। कार्यक्रम के संबोधन में गडकरी ने कहा कि जिस दिन उन्होंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है तब से ही यह डिमांड थी, लेकिन अब इस फाइल को मैंने आगे बढ़ा दिया है, इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी, वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है, तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था। पर इसके कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया, पर भी आज मैं यहां आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो एसी होगी। यानी कि मंत्री जी की माने तो साल 2025 से अब सभी ट्रक केबिन में एयर कंडीशनर होगा और दिन में 11 से 12 घंटे काम करने वाले ट्रक ड्राइवर, जो लगातार ट्रक ड्राइवर लंबे लंबे रूट पर ट्रक चलाते हैं, उनके लिए अब सहूलियत होगी और उन्हें काफी आराम मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि काफी समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। काम करने की मुश्किल हालात और सड़क पर लंबे समय तक ड्राइवर गाड़ी चलाते रहते थे, इस वजह से ड्राइवर्स को थकान और साथ ही हादसे के लिए काफी चीजें बढ़ जाती थी, लेकिन अब हमें ये सुनिश्चित करना हुआ कि ट्रक चलाने वाले लोगों को भी अच्छी तरीके से लिया जाए। उनका कहना है कि हमारे ड्राइवर 43, 44, 45 डिग्री तक लगातार अपने ट्रक को चलाते रहते हैं, ऐसे में उनकी स्थिति की कल्पना करनी चाहिए और इसी वजह से हमने ये फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं मंत्री बनने के बाद एसी केबिन पेश करने के लेकर इच्छुक था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि ट्रकों की लागत कम हो जाएगी। आज मैंने यहाँ आने से पहले इस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि अब सभी ट्रक केबिन एसी केबिन होंगे। गडकरी ने यह भी कहा कि भारत में ट्रक ड्राइवरों की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रक चालकों को 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता है। वहीं अगर हम अन्य देशों में देखें तो एक ट्रक ड्राइवर की ड्यूटी कितने घंटे की है, इसको लेकर नियम बनाए गए हैं। भारत में ऐसे कोई भी नियम नहीं है, ऐसे में हमें ट्रक ड्राइवरों की आराम के लिए, उनकी सहूलियत के लिए यह कदम उठाना होगा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि पहले ट्रक को मुंबई तक ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था, अब हम ऐसी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रक हो या गाड़ी केवल 13 से 14 घंटे लगेंगे। इसके अलावा भारत के हर कोने में सड़कों को जोड़ा जा रहा है, जिस जगह सड़क नहीं थी आज वहां बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं और इसी वजह से अब हम चाहते हैं कि सड़कों में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बड़ा निर्माण और विकास हो रहा है, उस तरीके से ही ट्रक और साथ ही अन्य चीज़ों को भी विकास की ओर आगे ले जाया जाए। बहरहाल आपको बता दें कि 2025 से अब ट्रक ड्राइवर के केबिन में एसी अनिवार्य हो जाएगा। इसको लेकर तमाम ट्रक निर्माता कंपनियों को भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आपकी जो कुछ राय है इस बड़े कदम को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।